हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है मेनिनजाइटिस। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मेनिनजाइटिस क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम मेनिनजिस कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेनिनजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिनजिस, यानी कि मेनिनजाइटिस का है इन्फ्लामेशन है मेनिनजिस की, जो कि द कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। तो मेनिनजाइटिस में क्या होता है, जहाँ पर आइटिस लग गए ना, वहाँ का इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो मेनिनजिस और उसके बाद लगा हुआ है आइटिस, तो क्या हुआ? इन्फ्लामेशन इन द मेनिनजिस, ठीक है। उसके बाद इट इज अ मेजर कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हाई मोर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है? एक बहुत बड़ा कारण होता है, मेजर कॉज होता है हॉस्पिटलाइजेशन होने का, जो बच्चे हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं किसके साथ? हाई मोर्टिलिटी रेट के साथ। ये क्या है? मुख्य कारण होता है बच्चों के हाई मोर्टिलिटी रेट के साथ हॉस्पिटलाइज होने का। उसके बाद जो मेनिनजाइटिस होता है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हमारा पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस, एंड देन तीसरा है हमारा एसेप्टिक मेनिनजाइटिस कॉज्ड बाय वायरल फंगस एंड प्रोटोजोआ। अब जो हमारा पायोजेनिक या बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है, वो किसके कारण होता है? यहाँ पर पता चल रहा है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। जो मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पायोजेनिक या बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस में क्या होता है? जो मेनिनजाइटिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, उसको हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस कहते हैं। थर्ड हमारा आता है एसेप्टिक मेनिनजाइटिस, जो कि किसी भी वायरस फंगस या प्रोटोजोवा की एंट्री के कारण, मेनिनजिस में उसकी एंट्री के कारण और फिर वहां पर जो इन्फ्लामेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? एसेप्टिक मेनिनजाइटिस, जो कि किसी वायरस फंगस या प्रोटोजोवा के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, ठीक है। पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यानी कि जो पायोजेनिक या बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस इज मोर कॉमन इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस ज़्यादातर बच्चों में और न्यूनेट्स में पाया जाता है, उनमें मोर कॉमन होता है। उसके बाद ईटियोलॉजी आता है, ईटियोलॉजी को हम कोज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजिस मे अकर्स ड्यू टू प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ मेनिनजिस। मेनिनजिस के प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकती है? मेनिनजिस में इन्फ्लेमेशन कोज हो सकती है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनिनजाइटिस इन न्यूनेट्स आर, यानी कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें मेन कारण क्या होता है? जैसे ईकोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, ये मेन कारण है जो कि न्यूनेट्स में मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। देन इन द इन्फेंट एंड इन यंग चिल्ड्रन द अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर, यानी कि जो इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रंस है जिनको मेनिनजाइटिस होता है, उनमें ज़्यादातर क्या क्या कारण पाए जाते हैं? एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजियोकोकाई एंड एस निमोनियाई, ठीक है। ये कारण है जिस जो कि ज़्यादातर इन्फेंट या यंग चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा पहला आता है हाई फीवर। बच्चे को क्या होगा? हाई फीवर होने के चांसेस है। उसके बाद सीवियर हेडेक होगा बच्चे को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? सीवियर हेडेक होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है मलेस, यानी कि बच्चे को क्या होगी? बेचैनी होगी। उसके बाद वोमिटिंग, बच्चे को वोमिटिंग भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है रेस्टलेसनेस, ठीक है। उसके बाद इरिटेबिलिटी,
कन्वर्जन्स आ सकते हैं बच्चे को, मेंटल कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चे को। उसके बाद जर्नलाइज हाइपरटोनिया। जर्नलाइज हाइपरटोनिया क्या होता है? हाइपर माने होता है ज़्यादा, टोनिया जो होता है वो मसल्स टोन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो हमारी मसल्स एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? डबल विज़न, यानी कि एक ही चीज़ का दो दो दिखना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिप्लोपिया या डबल विज़न हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक रिजिडिटी। जो हमारी नेक है वो रिजिड हो जाती है, जिस बच्चे को भी मेनिनजाइटिस है जो उसकी नेक है वो क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है पिटोसिस। पिटोसिस जो होता है वो हमारी जो आईलिड्स होती हैं वो क्या होती है? नीचे की तरफ हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल। उसके बाद हमारा आता है पॉजिटिव कर्निंग साइन। पॉजिटिव कर्निंग साइन में क्या होता है? जो बच्चा होता है कर्निंग साइन में क्या होता है, बच्चे को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं और बच्चे को फिर जो लेग्स है उसको हम 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे। उसके बाद हम जो बच्चे की लेग्स है उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे की जो मसल्स होती है उनमें क्या होती है? पेन होता है, ठीक है। जो बच्चे की लेग्स की मसल्स होती है उनमें क्या होता है? पेन होता है, स्पेशली हार्मेस्टिंग मसल्स में, ठीक है। यदि बच्चे को पेन हुआ उन मसल्स में, लेग्स मसल्स में पेन होता है तो क्या है? वो पॉजिटिव साइन कहलाता है। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन पाया जाता है और ये मेनिनजाइटिस का मेन साइन होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव बुर्गिस साइन। पॉजिटिव बुर्गिस साइन में क्या होता है? जो बच्चा है हम उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में लिटाने के साथ साथ जो हम बच्चे की नेक है उसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। जैसे हम बच्चे की नेक को ऊपर उठाते हैं तो साथ ही साथ जो उसकी लेग्स है वे भी ऊपर ऊपर फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव बुर्गिस साइन। यदि बच्चे के जो लेग्स है वो ऊपर हो रही है तो क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो वो क्या कहता है कि बच्चे को मेनिंजाइटिस है। उसके बाद क्रेनियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है। यदि जो मेनिंजाइटिस है वो ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? क्रेनियल नर्व पैरालिसिस भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है अल्ट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो बच्चे का कॉन्शियसनेस लेवल है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जो होता है वो क्या होता है? बच्चे को क्या है? लाइट से डर लगने लगेगा। उसके बाद हमारा आता है फोनोफोबिया। फोनोफोबिया में क्या होता है? बच्चे को लाइट से डर लगता है, ठीक है, लाउड नॉइज से डर लगता है। फोटोफोबिया में लाइट से डर लगता है, देन फोनोफोबिया में लाउड नॉइज से डर लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस है? तो पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे बच्चे की, ठीक है, कि पहले फैमिली में तो किसी को नहीं था, कब से है, बच्चे को प्रॉब्लम कोई हुई हो बीच में, कब से बच्चे को फीवर आ रहा है, तो ये सभी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव कर्निंग साइन, बुर्गिस साइन ये सभी देखेंगे, ठीक है, डिप्लोपिया तो नहीं है, मेंटल कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये सभी हम चेक करेंगे। उसके बाद ब्लड कल्चर करेंगे। ब्लड कल्चर क्यों करेंगे? क्योंकि किस कोज के कारण, यानी कि किस कारण से मेनिंजाइटिस हुआ है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, जिसके भी कारण हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? ब्लड कल्चर से हम पता करेंगे। उसके बाद सी एफ इवेल्युएशन फॉर प्रेशर, सी एस एफ इवेल्युएशन करेंगे, यानी कि सी एफ एफ का अवलोकन करेंगे प्रेशर के लिए, कि जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है या कम तो नहीं है। साथ ही साथ हम एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लंबर पंचर भी कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एंटी बैक्टीरियल देंगे। यदि किसी भी बैक्टीरिया के कारण हुई है मेनिंजाइटिस कोज, तो क्या है? सबसे पहले हम एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, यानी कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स है, ठीक है। तो उसके अलावा हम एंटीवायरल, यदि किसी वायरस के कारण मेनिंजाइटिस कोज हुआ है तो हम एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे, जैसे किसी फंगस के कारण मेनिंजाइटिस हुई है। उसके बाद सिम्टोमेटिक ड्रग्स देंगे, यदि बच्चे को जैसे हाई फीवर था तो एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीमेटिक देंगे,
एंटीमेटिक हम कहीं में देते हैं वोमिटिंग में, एनॉल जैसे कहीं में देते हैं पेन में देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी सीजर्स, यदि बच्चे को कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो हम क्या देंगे, एंटी सीजर्स मेडिकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद एंटी को कन्वल्जेंट मेडिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं यदि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या हुई है, मेनिनजाइटिस हुई है, एंटी इन्फ्लामेटरी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे जैसे डेक्सामेथासोन। उसके साथ ही साथ हम ओस्मोटिक डायुरेटिक्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओस्मोटिक डायुरेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे हम ताकि जो हमारा इंक्रीज हुआ है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंक्रीज हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए ओस्मोटिक डायुरेटिक्स देंगे जैसे मैनिटोल। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले बच्चे के वाइटल साइंस चेक करेंगे, देन यदि शोक की कंडीशन है तो मैनेजमेंट करेंगे शोक का आईवी थेरेपी के द्वारा, ठीक है। आईवी थेरेपी के द्वारा हम शोक का मैनेजमेंट करेंगे, साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ एयरवे बाय ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा बच्चे को यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो क्या है, हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। टू एलिमिनेट इन्फेक्शन विद एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे बच्चे को। प्रोवाइड सपोर्टिंग केयर टू द पेशेंट और विद फैमिली, यानी कि फैमिली को भी और जो पेशेंट है यानी कि जो बच्चा है उसको क्या करेंगे हम, सपोर्टिंग केयर प्रोवाइड कराएंगे। टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को बच्चे के कंट्रोल करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चे को हाई फीवर था तो उसके जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे मेडिकेशन के द्वारा। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन टू द पेशेंट, पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट, बच्चे को कंफर्ट और रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। मेंटेन फ्लूड एंड न्यूट्रिशन, बच्चे का जो न्यूट्रिशन है और जो फ्लूड है उसको भी मेंटेन करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है मेनिनजाइटिस से, तो जो हमारा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो सकता है, और सीवियर, यदि सीवियर कंडीशन पर पहुंच गया है तो विजुअल लॉस भी हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है एंड टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक था मेनिनजाइटिस। ये वीडियो, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।